तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ पापा के लिए ब्लैक कॉफी। हेरा ये अभी उबल रहा है, ये रही मेरी कॉफी, ये रहा कप। इसके अंदर उबाले आ गए और अब मैं डालूंगी इसके अंदर कॉफी। गाइस ये रही कॉफी, अब मैं डालूंगी इसको और अब करते हैं इसको मिक्स। कॉफी ये कुछ ऐसी लग रही है और मेरे को तो जमा अच्छी नहीं लगती ब्लैक कॉफी, लेकिन पापा कहते हैं हम डाइट है इसीलिए पापा को ये देख के आते हैं। तो ये देखिए गाइस राहुल जी भी ना लिए हैं और ना के बताए जाओ तो काफी लेट हो गए थे, अभी तो नया भूख लगे बहुत जोर से, क्यों रात का कुछ नहीं खाया हुआ, तो अब तो बस गाइस खा के बात करेंगे। ठीक है, खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अब हम बैठ गए चाय पीने के लिए। आज मेरी सुबह की पहली चाय है, कल मैंने एक भी चाय नहीं पी थी, आज ये सुबह की पहली चाय। नहीं गाइस एक बार एक पी ली थी सुबह सुबह, आज भूल गया था। अर्शिल कर रही है हमारी लंच। अभी देखो 5 o'clock अर्शिल का लंच टाइम, क्या बात है। आज गाइस अर्शिल इतनी बिजी थी, वे सुबह ऐसे बेचारी को नहाने के लिए खाने, क्योंकि सुबह ये उठी 10 बजे, उठने के बाद यहाँ बैठ गई, इस रूम में बैठ गई उसमें, और पढ़ी तो आज इतनी पढ़ी है गाइस, ये मान लो 3 से 4 मिनट पढ़ी होगी सारे दिन में, पूरे दिन की पढ़नी लग रही है। बुक सारे दिन खुली रहती है, वहाँ लंच में आधा परांठा सुबह खाया, फिर आलू भुजिया खा लिया, फिर डांट खा ली, अब दोबारा खाने बैठी है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। डांट सुन के और अभी थोड़ी देर पहले फरमाइश थी भी बर्गर सिंह के बर्गर, सिंह के बर्गर है ना, खाना तो खाना नहीं, तब ये खा रही है मूली के परांठे। तो हर्षिल क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, आज का दिन मेरा सारा डांट ही डांट में गया। इसने एक बड़ा कांड भी कर दिया था, फोन भी नीचे गिरा दिया था। हाँ, मम्मा का फोन भी मेरे से नीचे गिर गया था, और वो भी कहते कहते, और मम्मा ने ना जब मैंने उधर रखा था ना उसके ऊपर, दिखाओ उसके ऊपर, तो पहले मम्मा ने कह भी दिया था कि इसके ऊपर मत रख गिर जाएगा, और कहते कहते वो नीचे भी गिर गया क्योंकि मैंने वो हटाया नहीं, वहीं रखा रहा। और गाइस मैं यहाँ खा रहा था खाना, मेरे सांस ऐसे कैसे रुक अटक गए, ऐसे हो गए ऊपर नीचे हो गए, अटक ही गए ऊपर नीचे, तो बाद में हुआ जब इसने कहा नहीं चल रहा है, फिर ऊपर नीचे हुआ। मुझे तो लगा आज आखिरी दिन है। तो गाइस अब बाटी में पीते हैं चाय, मिलते हैं चाय पी के आपको। तो गाइस मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। आ चुकी है जिसके अंदर मैंने आपको, हमने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि कल का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो आज होने वाला है मम्मा पापा के बीच में मार्शमेलो सिंगिंग चैलेंज, तो आप देखते रहना कि कौन होगा विनर, ये रे मम्मा और ये रे पापा। ओके, तो मैं आपको रूल्स बता देती हूँ कि इसमें 3 राउंड होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको तीनों राउंड में तो तीनों राउंड में आपको नहीं बेटा तीन तीनों, हाँ हाँ बता दें तेरे को, ठीक है आगे बोलो। शाम को हाँ हाँ ठीक है वैसे होगा। ठीक है, तो मम्मा को 3 बार सॉन्ग गाना और पापा को गेस करना है, और 3 राउंड खत्म होने के बाद पापा को सॉन्ग गाना और मम्मा को गेस करना है, और अगर दोनों ने एक एक मतलब कि गेस किया तो भी टाई है, और अगर 2 बार या 3 बार किया तो टाई नहीं माना जाएगा, अगर चाहे दोनों ने दोनों बार ही क्यों ना गेस मतलब किया, मतलब जो ज्यादा बार गेस करेगा वो विनर होगा। हाँ, उसको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। हाँ ओके, गाइस फर्स्ट टर्न होगी मम्मा की और मम्मा गाएंगी। ओके सो 3, 2, 1 स्टार्ट। पहले आप मुंह में लो मार्शमेलोज। ओके पूरा भर लो। हाँ हाँ खा नहीं सकते इसको, खा नहीं सकते। हाँ गाओ गाओ भाई।
ओके, मेरे को समझ में आ गया। अच्छा दूसरा। नहीं आप पहले गैस करो। कोई नहीं समझे अभी मेरे को तो। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। दोबारा गाओ, दोबारा गाओ। दोबारा क्या? और ना मुंह नहीं खा रहे हो आप? तीन गाने हैं, एक गाय है, वो कौन सा? मैं तो है फिर मैं। अच्छा ठीक है, जल्दी और ना। इसमें तो समझ आ रहा है। अभी तो चुप चुप नहीं है। हाँ बस बस, सुनने देना, बोलना मत प्लीज। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा पापा आपको एक हिंट देती हूँ कि पहला गाना हिंदी था। हो गया, मैं बीच में ना बोल। ठीक है ठीक है, बोल। मैं उसमें गया काम से। कौन कहा दबा दब कहा फिर तू तो खाया हुए। ये है, कुछ कुछ होता है। मामा समझ आ रहे हो लोग? दो अब एक में जीत गए। ठीक है सर, और कर तीसरा राउंड। एक एक तो जीते, चलो भगवान। जी कर दा कपता ना हाँ जल से ते नचने तो मेरा जी। साहब मेरे पास आ बेटा, इधर आ, यहाँ बैठ। एक तो जीते राउंड अपने। राम से बैठ, राम से चलो। ये था हिंट दे सकते हैं। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। दो सही। ओके स्टार्ट करो। तो गाइस अब आ गया पापा की टर्न, और पापा डाल रहे हैं अपने मुंह मार्शमेलोस। ये सारी गाइस छोड़ो, भूखी हो जाएगी। तुम दिल की धड़कन रहते हो भैया। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होंगी। वह मतलब यह होंगे कि तकलीफा ना डील करना होंगे। जब ये इकट्ठी होती है ना वो मैं तो इतना वो रबड़ सा बन जाता है, बहुत मुश्किल है। नहीं खानी चाहिए इस चीज को, गिरेगा ये डोंगा इसको डोंगा। तो जो आज का विनर है ये है, इनको मिलेगा कल एक सरप्राइज गिफ्ट, वो आपको कल वाली वीडियो में दिखाएंगे। सच में भी रखते हैं ना, मुंह में लेना बहुत मुश्किल है गाइस। तो ये था हमारा आज का चैलेंज, और आप कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको हमारा आज का चैलेंज कैसा लगा, और कमेंट कर बताना। तो गाइस अभी मैंने वहाँ पे वो पूजा कर दी है तेरी, और मम्मा यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं और दाल चढ़ा दी, और बस अभी जो है
रोटी बनानी रहती और इधर हर्ष और मन्नत ये दोनों खेल रहे हैं। तो हेलो गाइस, ये था हमारा आज का पूरे दिन का व्लॉग। इसमें आज हमने चैलेंज भी किया, इसमें मैं हार भी गया मैं जीत गई और जीत के तौर पे इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कैमरे के सामने भी पीछे और अब सामने करेंगे कि ना मैं तेरे को ना करवा चौथ की शॉपिंग करवाऊंगा। मैं कब हो गया ये कब हुआ कब मैंने गाइस एक गिफ्ट का बोला था, सरप्राइज गिफ्ट का नहीं, बाद में कहा था मैं चॉकलेट भी ला के दे सकता हूँ, टॉफी भी दे सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है गिफ्ट में। नहीं गाइस, ये मेरे को कह रहे थे कि तू जीत गई ना तो तेरे को ना मैं करवा चौथ की शॉपिंग करवाऊंगा। गाइस सुन लेना आप, मैंने गिफ्ट का कहा था, बाकी करानी तो शॉपिंग पड़ेगी। हाँ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये हो गया प्रॉमिस शॉपिंग की और करते हैं फिर करवा चौथ की शॉपिंग। करवाना ही पड़ेगा गाइस, सभी करवाते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? ठीक है गाइस, मिलते हैं कल तो सुबह। ये तो गाइस क्या है, मौज मस्ती चलती रहेगी। हाँ। तो आज का व्लॉग जरूर देखना आप, आपको काफी मजा भी आएगा क्योंकि हमने काफी अच्छा वो किया है आज, चैलेंज तो किया है। मिलते हैं कल तो एक नई उम्मीद के साथ। और आप हमारा की इसको वॉचिंग किया करो और देखा करो और सब्सक्राइब भी करो। तो गाइज ये था हमारा आज का पूरे दिन का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और आप ऐसे ही डेली के व्लॉग देखा करें क्योंकि हम डेली व्लॉग लेके आया करेंगे और वो भी नए कुछ भी वो रिपीट कुछ रिपीट भी नहीं होगा, सब डेली का अलग अलग होगा। अगर रिपीट होगा तो वो तो मेन है ही, जैसे चाय का खाने का वो तो हो ही गया, वो तो लेकिन उनके उसके बिना तो गाड़ी भी नहीं चलती कंटेंट में नया आएगा डेली। हाँ जी, कंटेंट हर रोज नया होगा, तो प्लीज आप वॉच किया करें और डेली के डेली देखा करें। काफी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आएंगे, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लाइक जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। तो गाइस कल मिलते हैं इसी तरह एक नए व्लॉग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, ऐसे ही बने रहिए और कल मिलते हैं। तो गाइस गुड नाइट, नमस्ते, राम राम, राम, राम।